गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट अवर टॉपिक पैसिव वॉइस। इन द पैसिव वॉइस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द जो सिंपल सेंटेंस थे, अफर्मेटिव सेंटेंस का कैसे एक्टिव वॉइस बनाते हैं। अब हम बात करेंगे एंड ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द इंट्रोगेटिव सेंटेंस। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट पैसिव ऑफ इंपरेटिव सेंटेंस। पैसिव ऑफ इंपरेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस सबसे पहले समझते हैं कि इंपरेटिव सेंटेंस जो लिखा है ये होता क्या है। तो इंपरेटिव सेंटेंस का मतलब होता है आदेशात्मक वाक्य। आदेशात्मक यानी कि आज्ञार्थक भी हो सकता है। इंपरेटिव सेंटेंस जिसमें ऑर्डर, रिक्वेस्ट या फिर आपका किसका बोध हो, आपका ऑर्डर का हो, रिक्वेस्ट का हो, या फिर जो आपका प्लीज आता है, ये सब रिक्वेस्ट में आते हैं। ऑर्डर या कोई कमांड हो, इन सब का जब भाव होता है तो वहां पर इंपरेटिव सेंटेंस होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बेटा सेंटेंस विद ऑर्डर एंड कमांड, यानी कि कुछ सेंटेंस होंगे आपके पास जो ऑर्डर या कमांड यानी कि आदेश से शुरुआत होगी। यहां पर सेंटेंस में ये दिखाया जाएगा, आपको ऑर्डर दिया जाएगा, ठीक है, वहां पर क्या करते हैं। तो एक एग्जांपल से समझते हैं बेटा। हमने एक एग्जांपल ले लिया, जैसे एग्जांपल में दिया है शट द विंडो। अब इसको पढ़ते ही आपको पता चल रहा है यहाँ पर क्या कहा है, शट द विंडो मतलब खिड़की बंद कर दो। तो यहाँ पर देखा जाए तो सीधा सीधा ऑर्डर हो रहा है। अगर मैं कह दूँ स्टैंड अप ऑन योर शूट, क्या हो गया, ये ऑर्डर है। गेट आउट ऑफ द क्लास, क्लास से बाहर जाओ, ये भी ऑर्डर हो गया। तो जब भी ऑर्डर यानी कि उसका जो भाव है, ये तो हमें अपनी तरफ से समझना है ना कि वहां पर जो भाव आ रहा है, जो फीलिंग्स आ रही है, जो कमांड आ रहा है वो है क्या। तो वहां पर ये ऑर्डर का कमांड है। शट द विंडो जब भी आएगा तो जब भी आप देखेंगे कि ऑर्डर का आया है, कमांड जो है वो हमारा ऑर्डर का है। तो वहां पर क्या करते हैं, वहां पर इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या हो जाता है। स्ट्रक्चरल फार्मूला यानी कि एस एफ की अगर हम बात करें तो वहां पर आप दो तरीके पर आते हैं। पहला है लेट प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन सा, जो न्यू वाला होगा, और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और प्लस ऑब्जेक्ट, और बाय का यूज जो करना है, यहां पर बाय का यूज नहीं करने की जरूरत है। लेट प्लस सब्जेक्ट, और यहां पर एक चीज आपकी क्या आती है बेटा, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। आई बात समझ में, ये चीज ध्यान रखनी है, ये आपका जो स्ट्रक्चर फॉर्मूला है ये। या फिर इसके अलावा हम दूसरा भी कर सकते हैं, आप यहां पर यूज कर सकते हैं यू आर ऑर्डर्ड, यू आर ऑर्डर्ड टू, यू आर ऑर्डर्ड टू लगाया, इसके बाद प्लस आपका क्या आ जाएगा वर्ब। यहां पर ध्यान देना है कि जब आप यू आर ऑर्डर्ड लगा देंगे तो वहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज कर दी। ये बात समझ में आई, या तो आप लेट के रूल से बनाइए, लेट प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और आपका ये ऑब्जेक्ट आ जाएगा, या फिर आप यू आर ऑर्डर टू करके बनाइए। तो मैंने ये लिखा, अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हमने लिखा लेट आगे क्या आ जाएगा, द विंडो दिख रहा है आप लोगों को, लेट द विंडो बी, ये क्या आ जाएगा एस एच यू टी शट, एस एच यू टी शट, लेट द विंडो बी शट। अब आगे देखते हैं क्या होगा, ये तो फर्स्ट स्टेप का हो गया जब हमें क्या हो ऑर्डर कमांड। अब इसके बाद करते हैं सेंटेंस कंटेनिंग रिक्वेस्ट, यानी कि सेंटेंस जिसमें रिक्वेस्ट प्रार्थना का भाव हो, ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं। तो आपको ये समझ लेना कि बेटा जहां पर रिक्वेस्ट का भाव हो वहां पर आपको क्या यूज करना है, यू आर रिक्वेस्टेड टू। आई बात समझ में, यू आर रिक्वेस्टेड टू लगाना है, ये समझ लीजिए। एक एग्जांपल इसका मैं बताता हूँ, प्लीज गिव मी अ बुक, मैंने एग्जांपल इसका लिखा प्लीज गिव मी अ बुक। अब क्या हो जाएगा, प्लीज गिव मी अ बुक है तो मैंने कहा था यू आर रिक्वेस्ट टू लगाना। जब भी आप यू आर रिक्वेस्टेड टू या यू आर ऑर्डर टू लगाएंगे तो वहां पर वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं यूज करेंगे, ठीक है। लेट द विंडो बी शट, यहाँ पर लेट लगाया था हमने, और वर्ब की कौन सी फॉर्म आई थी, यहाँ पर थर्ड
क्यों तो शट 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 की थर्ड फॉर्म यही होती है, कुछ और होता तो ये वर्ब की थर्ड फॉर्म ही है, ध्यान रखिएगा। तो प्लीज गिव मी अ बुक, क्या हो जाएगा यहाँ पर, यू आर रिक्वेस्टेड टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गिव मी बुक। ये देखिए आप जब भी आप ये लगाएंगे तो वहां पर आपको यू आर रिक्वेस्टेड लगाने के बाद प्लीज कमांड के सीधा वैसे ही जोड़ देना, यानी कि प्लीज के प्लेस पर आप यू आर रिक्वेस्टेड लगाएंगे और सेम बाकी वही उतार देंगे आप। आई बात समझ में? लेकिन जब आप लेट का यूज करेंगे तो वहां पर जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के प्लेस पर जाएगा। ये चीजें हमें जो है वो ध्यान देनी है बेटा। आई बात समझ में? इतनी बात समझ में आ गई। अब एक और इसमें बचता है, वो क्या होता है वो आगे देखेंगे। हाँ गाइस नाउ वी प्रोसीड। अब हम बात कर रहे थे अभी तक, हमने ऑर्डर की बात की, रिक्वेस्ट की बात की इंपरेटिव सेंटेंस में। अब नेक्स्ट आता है हमारा सजेशन। सजेशन मीन सुझाव, जैसे डॉक्टर हमें सुझाव देता है वो चीज। तो स्ट्रक्चर फॉर्मा उसका क्या होगा, आपके सामने जो सेंटेंस दिया होगा उसके अकॉर्डिंग आप जब उसका पैसिव बनाएंगे तो उसके लिए ये स्ट्रक्चर फार्मूला है। एक एग्जांपल लेता हूं मैं यहां पर, सजेशन का मींस क्या हो गया बेटा, सुझाव। ये चीज ध्यान रखिए आप, ऑर्डर मतलब आज्ञा देना, आदेश देना, रिक्वेस्ट मतलब प्रार्थना करना, और सजेशन मींस सुझाव। तो एक एग्जांपल लेते हैं, हमने यहां पर एग्जांपल ले लिया बेटा, हेल्प द डिसएबल्ड, यानी कि जो डिसएबल्ड है, जो असक्षम व्यक्ति है उसकी है हेल्प करें। क्या कहा है, हेल्प द डिसेबल्ड, जो व्यक्ति असमर्थ है, जो असक्षम है उनकी मदद करो। तो यहाँ पर क्या है, हम ऑर्डर तो नहीं दे रहे कि जो गरीब है उनकी मदद करो, ना तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं हाथ जोड़ रहे हैं, हम यहाँ सुझाव दे रहे हैं। आपकी मर्जी है आप उनकी हेल्प करें या ना करें, या आपका ईमान, आपकी नैतिकता है, मॉरलिटी है। तो हेल्प द नीडी पुअर पीपुल या हेल्प द पुअर, यहाँ पर एग्जांपल मैंने लिया हेल्प द डिसेबल्ड। अब पैसिव वॉइस बनाने के लिए स्ट्रक्चर फार्मूला क्या है, आप उसका यूज कीजिए और सेंटेंस बनाइए। क्या है लिखा था पहले, सब्जेक्ट प्लस शुड बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और उसके बाद आपका आ जाएगा सब। क्या है यहाँ पर, हेल्प द डिसेबल्ड, यहाँ पर मदद किसकी की जा रही है, डिसेबल्ड की। तो हमारा सब्जेक्ट तो यही हुआ ना, हेल्प द नीडी पुअर, तो पीपुल, नीडी पीपुल जो पीपुल है, जो पुअर पीपुल है, वही तो हमारा सब्जेक्ट होगा। सब्जेक्ट क्या है, द डिसेबल, तो यहाँ क्या हो जाएगा, द डिसेबल क्या है, शुड बी। अब आगे अब यहाँ पर हम बाई का यूज नहीं करते हैं, शायद ये आपके मन में बात हो बेटा, बाई यहाँ पर जो है वो छुपा हुआ होता है। यहाँ पर हेल्प द डिसेबल्ड पीपल, तो द डिसेबल्ड शुड बी हेल्प्ड, ये आपका स्ट्रक्चर फॉर्मूला जो था उसके अकॉर्डिंग, उसके रूल के अकॉर्डिंग ये हमने बना दिया। ठीक है, एक एग्जांपल और समझ लेते हैं ताकि कोई दिक्कत ना हो, और इसके बाद थोड़ा हम प्रैक्टिस करेंगे इसी की। एक एग्जांपल और ले लिया हमने, लव योर कंट्री, एग्जाम्पल हमने ले लिया लव योर कंट्री, हमने देखा अपने देश को प्रेम करो। यहाँ पर सुझाव है कि अपने देश को प्रेम करिए, आप अपने देश से लगाव रखिए। तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट क्या है, कंट्री, योर कंट्री, योर कंट्री शुड बी वर्ब की थर्ड फॉर्म लव। आई बात समझ में, योर कंट्री शुड बी लव्ड। तो यहाँ पर इम्परेटिव सेंटेंस में बेटा ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और ये आप भूलते भी बहुत ज़्यादा हैं, ये समझ लीजिए कि अगर मैं भी इसका रिवीजन ना करूँ तो आने वाले 2-3 साल में मैं भी इसको भूल जाऊँगा। तो ज़रूरी है कि आप इसका स्टार्ट टाइम रिवीजन करें, और ये समझ लीजिए जो एक्टिव पैसिव हैं वो आपके 9th स्कूल, फर्स्ट ईयर, इंटर, हर जगह काम आने हैं, और रूल कभी बदलेंगे नहीं है। ग्रामर पोर्शन ऐसा है, एक बार जो पढ़ लिया वो जीवन भर काम आना है, रूल कभी बदलेंगे नहीं, उसके आगे आएंगे, बढ़ेंगे, इसमें इंक्रीजमेंट होगा, लेकिन वो जो पढ़ा आपने वो कभी बदले नहीं। ठीक है, अब हम जरा 5 सेंटेंस की बेटा प्रैक्टिस कर लेते हैं, ताकि जितना पढ़ाया है वो एक बार में
रिवीजन हो जाए आपका। हाँ जी बेटा, हम कुछ एग्जांपल्स के द्वारा समझेंगे। सारे रूल्स मैंने बता दिए, उन सारे रूल्स के आप डिफरेंट एग्जांपल्स हैं और वो रूल्स सारे आपके रिवाइज हो जाएंगे जो जो मैंने बताए हैं। सबसे पहला एग्जांपल हमारे सामने है, आई विल राइट अ लेटर। जैसे हमने सेंटेंस को पढ़ा तो हमारे मन में आया कि हमने देखी हेल्पिंग वर्ब, यहाँ पर विल लगी है, हेल्पिंग वर्ब विल है और यहाँ पर जो वर्ब की है वो फर्स्ट फॉर्म है, आई विल नहीं लगी है, तो इसका मतलब ये फ्यूचर इंडेफिनिट का टेंस है। फ्यूचर इंडेफिनिट में जब विल शैल होता है तो ये किस में कन्वर्ट होता है, पैसिव वॉइस में जाता है, तो विल बी शैल बी में। देन सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट चेंज इनटू सब्जेक्ट। हमने देखा जो ऑब्जेक्ट यहाँ आ लेटर है तो आ लेटर मिल गया हमें, आ लेटर। अब देखिए विल था, विल बी राइट फर्स्ट फॉर्म है और जब भी हम पैसिव बनाएंगे तो क्या लगाएंगे हम, वर्ब की थर्ड फॉर्म। A letter will be written by me. सिंपल है, रूल समझ में आया क्या है। उसके बाद सेकंड एग्जांपल उठाते हैं, हेल्प योर नियर एंड डियर। समझिए बात को, हेल्प योर नियर एंड डियर आया ना कि आपके जो प्यारे हैं, जो आपके जिनके ज्यादा आप करीब हैं उनकी मदद करिए। तो यहाँ पर ऑर्डर तो हो नहीं रहा है ना, तो यहाँ रिक्वेस्ट हो रही है हाथ जोड़ के, यहाँ पर हम सजेशन दे रहे हैं। ठीक है, ये आपको जो फील है, जो भाव है, वो आप ही को समझना है, वहाँ कोई बताने नहीं आएगा। तो हेल्प योर नियर एंड डियर यहाँ पर सजेशन है कि भाई जो आपके नज़दीक हैं, जो आपके प्यारे हैं, उनकी मदद करिए। तो ऐसे में क्या, जब सजेशन होता है रूल क्या होता है बेटा, सब्जेक्ट लगाते हैं, देन शुड बी और वर्ब की सब्जेक्ट क्या है, हेल्प योर नियर एंड डियर। तो क्या हो जाएगा, योर नियर एंड डियर, योर नियर एंड डियर। अब शुड बी हेल्प, आई बात समझ में, सिंपल सा है, योर नियर एंड डियर शुड बी हेल्प। उसके बाद थर्ड नंबर पे आते हैं, इन्फॉर्म द पुलिस। अब देखिए यहां पर ये नहीं हो रहा है कि प्लीज इन्फॉर्म द पुलिस, प्लीज आता तो रिक्वेस्ट में जाता, अगर यहाँ पर कुछ और होता तो वो सजेशन में जाता, यहाँ पर क्या इन्फॉर्म द पुलिस, पुलिस को बुलाओ, ऑर्डर हो रहा है यहाँ पर सीधा सीधा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जब ऑर्डर होता है तो क्या लगाते हैं, या तो आप उसको लेट से बना सकते हैं या फिर यू आर ऑर्डर टू। तो हम लेट से देखेंगे क्या हो जाएगा, लेट जो आपका सब्जेक्ट आ गया, लेट द पुलिस बी इन्फॉर्म्ड, वर्ब की थर्ड फॉर्म, लेट द पुलिस बी इन्फॉर्म। आई बात समझ में है, सिंपल। तो आपने अगर एक बार रूल अच्छे से समझ लिया है तो आई थिंक देयर इज नो प्रॉब्लम। डी नंबर है, डू यू राइट अ लेसन, डू यू राइट अ लेसन। हमने देखा यहाँ पर डू या डस का यूज हुआ है, तो ये हमारा किस में गया, प्रेजेंट में, प्रेजेंट टेंस है, यहाँ पर डू पहले यूज किया गया, यानी कि हेल्पिंग वर्ब पहले आ गया, तो ये प्रेजेंट का इंट्रोगेटिव है। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या करते हैं, हम हेल्पिंग वर्ब से ही शुरुआत उसकी भी करते हैं। तो डू या डस है, डू या डस किस में कन्वर्ट होता है, वॉज वर्ब में डू या डस कन्वर्ट होता है आपका, डू या डस आपका जो है वो वॉज वर्ब में कन्वर्ट हो जाता है। अब इसके बाद बेटा देखिए फोर्थ एग्जांपल में, फोर्थ एग्जांपल हमारे सामने जो मैंने बताया आपको डू है, तो यहाँ पर वॉज वर्ब क्या, सॉरी इधर मारा जाएगा क्योंकि प्रेजेंट है, तो प्रेजेंट के नेक्स्ट टेंस में जाएगा, तो क्या हो जाएगा, अब आ लेशन, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, इज a lesson written by you, is a lesson written by you, क्या जो आपके द्वारा एक लेसन लिख लिया गया था। नेक्स्ट आते हैं, वी वॉन द मैच। हमने देखा वी वॉन द मैच है, सिंपल है, वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज की गई है, तो कौन सा, यह पास्ट इंडिफिनिट हो गया, जब पास्ट इंडिफिनिट होता है वो किस में जाता है, वॉज वर्ब में। द मैच ये आपका ऑब्जेक्ट है, क्या हो जाएगा, द मैच वॉज वन बाय अस। ठीक है, द मैच वॉज वन बाय अस, यहाँ पर वर्ड तो लगाए नहीं क्योंकि मैच जो होता है वो सिंगुलर में काउंट किया जाता है। तो ये हमारे एग्जांपल थे, इसके बाद ये रूल्स हैं। देखिए पहली वीडियो जो थी उसमें मैंने एक्टिव और पैसिव वॉइस के जो बेसिक रूल्स थे वो बताए थे, दोबारा में मैंने इंट्रोगेटिव, देन फिर ये आपके इम्परेटिव सेंटेंस के रूल्स बताए हैं।
तो पैसिव एक्टिव पैसिव की तीन वीडियो टोटल मैं अपलोड कर चुका हूँ। अगर आपने इसके पहले के नहीं देखे हैं तो वहाँ पर जाइए चैनल पर और सारी वीडियो देखिए, ठीक है। और अगर आप देखेंगे तो आपके लिए भला है बेटा, आप अच्छे से उसको समझ सकेंगे। और मैं यही मानूंगा कि अगर पिछली वीडियो को जब मिस किया है तो उसको जरूर से जरूर देखें, तभी ये भी समझ में आएगा। और उससे पहले ट्रांसलेशन, मैं बार बार ट्रांसलेशन पर ही जोर देता हूँ, क्यों? क्योंकि ट्रांसलेशन में ही आपकी पहचान और हेल्पिंग और सब उसी से है, ठीक है। तो ग्रामर में ये सब जो बेसिक टॉपिक्स हैं इनको आपने मिस किया तो समझ लीजिए आपने बहुत कुछ खो दिया, ठीक है। तब तक के लिए बेटा धन्यवाद।